लाला डेरा बनाना। अल्लाह हाफिज़। टोटल 1, 2, 3, 4 छः बकरे, टोटल 6 दुम्बे और बकरे मिक्स हैं ये आ चुके अंदर। पूरा दुम्बा हमारा। ये तो ऐसे मैं जिस तरह अस्पताल से नया बच्चा लेके जा रहा हूँ तो गोद में। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, शोपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है डे टू इन क्वेटा। और आज मेरे साथ है फरीदुल्ला, कल भी फरीदी था, और हसन। क्या हाल चाल है दोनों का? आप सुनाए हमजा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, कल का दिन इंतहा से ज़्यादा मज़ेदार क्रेजी था। आज हम क्या करने लगे हैं हमजा भाई? आज हम इंशाल्लाह करेंगे खड्डी कबाब। ठीक है। ओए होए होए होए, जिसके लिए मैं तरस रहा था 2 साल से। कैसे रे छोटू? अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से अपना दुम्बा खरीदेंगे, दुम्बा खरीद के उसको कटवाएंगे, कटवाने के बाद उसकी सारी खाल वाल उतार के उसे गाड़ी में सवार करके फिर हम लोग जाएंगे खड्डी कबाब वाले के पास। वहाँ पे होगी हमारी खड्डी और क्वेटा में आज जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ गर्मी क्यों हो जाती है भाई? आप माशाल्लाह से मिजाज बहुत है। हॉटनेस ब्रो, हॉटनेस। खैर आज यहाँ पे हुआ है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन वो गर्मी वाली फील नहीं है। ऐसे अच्छा अच्छा मौसम है, ऐसे ठंडा मीठा सा, शाम को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। उसामा हमें ज्वाइन कर चुका है। उसामा क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। एक्साइटेड हो क्वेटा के लिए? बहुत ज़्यादा। गोश्त खोरी? फुल ऑन गोश्त खोरी। हम पहुँच चुके हैं अपना दुम्बा लेने के लिए, और यहाँ से लेना है दुम्बा। हमारा जिंदा दुम्बा आ गया। ओह कैसे रे छोटू? इसको खाना है हमने हमजा भाई। ये शाम तक इंशाल्लाह हमारी शीट की जीनत बनेगा। टोटल नहीं, कितने किलो वजन है इसका? 12-13 किलो है। 12 राजी 12 किलो तक हो है। 12 किलो। अभी नीचे इस जगह पे ज़िबा हो रहा है। ज़िबा होने के बाद इसकी खाल वगैरह उतरेगी। उतरने के बाद फिर हम इसको गाड़ी में रख के लेके जाएंगे जी इंशाल्लाह, विद प्रोटोकॉल। पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमारे दुम्बे राजा जाएंगे खड्डी कबाब वाली जगह पे। भाई जान, इसको टोटल अभी कितना टाइम लगेगा खाल वगैरह उतारने से, जितनी देर में आप हमें दोगे फ्रेश इसको? तकरीबन 5 से 8 मिनट तक लगेगा। 5 से 8 मिनट में इसको ज़िबा करके आप इसकी खाल छाल उतार दोगे? इंशाल्लाह उतारेगा इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, ये जादूगर है। दो 16 पे छुरी फिरी थी और 2:22 पे उन्होंने उसकी पूरी खाल चाल उतार दी है। 6 मिनट के अंदर बकरा ज़िबा और सारा काम तमाम उसका। हमारे वहाँ पे जब ईद पे हम करवाते हैं ना बकरा या गाय, तो वो बकरा करने में 4-4.5 घंटे लगा देते हैं। 6 मिनट में आपने बकरे की खाल उतार दी, वो 6 मिनट में छुरी उठाते हैं। कितना वजन हुआ? 12 किलो 55 ग्राम। ये देखने में तो मुर्गी लग रही है। नहीं माशाल्लाह, जब आप लोग बताएगा इंशाल्लाह इसको याद करेगा कि कैसे दुम्बा मेरे लिए दिया। सही है। और इंशाल्लाह आप लोग याद करेंगे। बर्फी चलो गोश्त हम तो भाई हैं, मलाई गोश्त और वो उसका साथी नीचे आपको देख रहे हैं, वो चेक करें। इधर एक और भी है। ओए किरलिया, अरे चुप के, शर्म आ गया। ये तो शर्म आ गया वाकई में। फोन बहाना पड़ता है कातिया। खड्डी कबाब फैक्ट्री में हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये जो पीछे आपको सारा नज़र आ रहा है, 1 शटर 2 शटर 3 और 4, ये इन्होंने खड्डे तैयार किए हुए हैं खड्डी कबाब के लिए। इनके अंदर सीन ये होता है कि आप बड़ी बड़ी जो लकड़ियां होती हैं वो फेंकते हैं, ये इसके अंदर उसको आग लगा देते हैं, और वो तकरीबन 2-2.5 घंटे वो जलती रहती हैं। जल जल के जब वो इतने इतने कोयले बन जाते हैं ना लकड़ी के नीचे, एक तह बन जाती है, फिर उसके अंदर आता है दुम्बा। अभी हमारे दुम्बे को मसाले लग रहे हैं, मसाले लगेंगे उसके पेट में, चावल भरे जाएंगे, चावल भरने के बाद फिर वो रखेंगे इस शटर मतलब खड्डे के अंदर, उस दुम्बे को डालेंगे। एक दुम्बा, दो दुम्बा, 3, 4, 5 दुम्बे यहाँ पे पड़े हुए हैं, और फुली मसाले लग के दुम्बा रेडी हो चुका है।
और इसको हमने खाना है अभी। पहले नमक लगाया फुल, उसकी कोटिंग करके उसके बाद सीक्रेट मसाले बाल्टी में डाल के रखे हुए पानी में, उसमें जो भी चीज़ें डालते होंगे हमें वो नहीं जानना, हमें सिर्फ खाने से मतलब है। वो उसके ऊपर लगा के पूरा दुम्बा ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज करेंगे उसको थोड़ी देर रखते हैं, कितना रखते होंगे इसको, घंटा तकरीबन 2-2.5 घंटे रखते हैं, 2-2.5 घंटे वो दम पे पकते हैं ना। हाँ, जमीन के अभी वो जाने वाला है जमीन के अंदर। ओहो, चावल डल चुके हैं और चावल डलने के बाद अब हो रही है सिलाई दुम्बों की। सही है, ये सुए से रस्सी डाल रहे हो? जी जी, सही है, मतलब इसको सी देंगे अब हम, ताकि वो निकले ना कुछ बीच में से। नहीं, सही है। इससे क्या होता है छोटे, इससे क्या होता है? शर्मा रहे हो? इस गारे को लगाने से हीट एस्केप नहीं होती खड्डे से। ठीक है, ऊपर से जो हीट मिलनी है ठीक है, निकाल रहे हैं कुछ हिस्सा सही, ताकि वो ऊपर रखे जा सके। फुल आग माहौल लग चुके हैं। उन्होंने जो सारी लकड़ियाँ वगैरह जलाई थी जिसके कोयले बने थे अंदर, उसमें से अब आधे उठा के उन्होंने बाहर रखे हैं और आधे उसके अंदर जो है वो एक कोयलों का कारपेट बना दिया, वो भी उसको सेट कर रहे हैं। वो आधे जो बाहर रखे हैं वो इसलिए कि जब उसके ऊपर मतलब दुम्बे अंदर खड्डे में डाल के शटर रखेंगे तो उसके ऊपर भी कोयले होते हैं, ताकि नीचे से भी आग जो है वो बैलेंस हो रही हो, नीचे भी ज़्यादा ना हो और ऊपर से भी उसको हीट पहुँच रही हो। साइंस है, ऐसी नहीं बन जाता ये। ये आया जी बकरा, एक खड्डे में कितने बकरे आएंगे? 6 बकरे एक खड्डे में। वाह यार, दुम्बे का लक 28 है तो वो आ जाएंगे पूरे। ये आया 5वां बकरा। बकरा ये सारे बकरे हैं कि सारे दुम्बे हैं? बकरे हैं, दुम्बे भी, दुम्बे और बकरे मिक्स है ना, टोटल 6 दुम्बे और बकरे मैक्स हैं ये आ चुके हैं अंदर। ये असल देखने वाला सीन है, उसके अंदर उन्होंने मतलब वो लाइन से उनको लटका दिया है इस तरह करके, अब ये ऊपर रख दिया। इस शटर के ऊपर भी कोयले हैं, अब इसको इन्होंने साइडों से गारे से बंद करना है ताकि वो स्टीम उसकी जो है वो बाहर ना निकल सके। गारे का स्केयर कंप्लीट हो चुका है, अभी जो स्टीम निकल रही है ये उसको कवर कर रहे हैं ये साइडों से, जिस तरह लिपाई करते होते हैं ना दीवारों की, उस तरह इसको ये कर रहे हैं ताकि जो स्टीम निकल रही है वो बिल्कुल अंदर बंद हो जाए। ये तो प्रॉपर आर्ट है यार वाकई में। उन्होंने उसको जो है वो 3:30 पे एग्जैक्टली अंदर रखा है, क्योंकि जिस हिसाब से लकड़ियाँ जलाई हुई थी उस हिसाब से उन्होंने टाइम सेट किया हुआ था। ये इसका दिमाग में इनके है, वो टाइम सेट किया हुआ था कि इतने बजे कोयले इस कंडीशन पे पहुँच जाएंगे और फिर हम दुम्बे उसके अंदर रखेंगे। क्या बात है भाई, कैसा लग रहा है तुझे सीन बलोचिस्तान का ये देख के? एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, कम्प्लीटली नया एक्सपीरियंस। मैं पहले जब हमने किया था लास्ट टाइम तब हमने ये पूरा सीन नहीं देखा था। नहीं, ये हमने हाँ, हमने सिर्फ वो बस मतलब नहीं, बल्कि हमें मिस करवाया गया था। मिस करवाया गया था। आज फरतुल्ला ने पूरी अपनी जो है वो पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको कहा कि हमने ये सारा देखना है। डेरा मनाना, कैमरे तो डेरा मनाना। लाला बहुत शुक्रिया। कितने बजे वो आए? वो बताएं कि कब सही बनेगा। बस था दस्तक टाइम रहा कि मुझे लगता है वो स्मूथ दर्शन रोडी खुरुज वाला ठीक है। हमजा भाई 8:30 ठीक है? हाँ बिल्कुल फिट है। अतने बजे सही नहीं? बस अतने में तरह अतने में तो मुझे इंशाल्लाह राजू तो तुम बराबर ही 8 बजे भी बराबर हो सकते हैं। 8 बजे दे दें? 8 बजे आ जाएं। 8 बजे आ जाएंगे। अभी टाइम हो चुका है जी 3:42, तकरीबन 4.5 घंटे जो है वो इसके अंदर रहेगा। क्या 4.5 घंटे बाद जो चीज निकलेगी अंदर से, वो कहते हैं ना कि गुड थिंग टेक्स टाइम। ओ यार, चीजें बनने में टाइम लगता है। लास्ट टाइम वाला आज तक मेरी जुबान पे उसका टेस्ट है, इतना वो ऐसे मलाई था। खैर आज देखते हैं, अभी यार कुछ अभी तो खाएं। अभी खाएंगे हम। हाँ। अभी चलते हैं। किधर चले अभी? अभी इंशाल्लाह चलते हैं हम जॉइंट रोड वाली साइड। अपने खड्डी कबाब का ऑर्डर देके हम लोग आए जी लेडी सज्जी हाउस पे। ये कौन सी रोड है? ये अमदा भाई जॉइंट रोड है, तो ये जो रोजा वगैरह ये इन्हीं की स्पेशलिटी है। ठीक है। और कोयटा इवन दो पूरे बलूचिस्तान में ये इन्हीं के पास ही मिलते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, तो बड़ा इसका यूनिक सा टेस्ट है। सही है, यहाँ पे है जी एक यूनिक चीज, एक तो सज्जी है लेडी सज्जी, पूरे कोयटा की एक मशहूर सज्जी है। उसके अलावा इनके पास वो इंटेस्टाइन मिलती है चर्बी के ऊपर लपेट के, वो अभी अंदर उसका निज़ाम चल रहा है, अंदर जाते हैं वो देखते हैं। ये चर्बी है सर, इसमें आंतरी है बस। चर्बी और आंतरी? जी नहीं, तो ये पहले ये जो आपने रोल सा बनाया हुआ है ये क्या, किस तरह बनाया हुआ है ये? चर्बी इसको पहले रोल करते हैं फिर ऊपर आंतरी निपटते हैं। अच्छा,
मतलब वो चर्बी को इस तरह इकट्ठा करके और उसके ऊपर उसको लपेट देते हैं आंतरियों से। जी जी। इसके बाद ये कोयलों पे बनेगा? नहीं, आग तो बनता है फिर। आग पे सज्जी की तरह? जी, सज्जी की तरह बनता है। सही 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 सही। हमजा भाई, इसको बलोची में रोदा बोलते हैं, ठीक है, और पश्तो में अंडर बोलते हैं। असल में बलोची में हम इसको रोतिंग बोलते हैं, ये उर्दू में रोदा कहते हैं इसको। ये अंतड़ी होती है, इसको फिर हम चर्बी, इसका चर्बी नरम इसमें लगाना पड़ता है, इसे चर्बी ज़्यादा मतलब हार्ड ना हो, फिर इसको हम इसमें लगा के कोयले पर हम इसको पकाते हैं। सही है। ये मतलब पाकिस्तान में बहुत कम बनता है, हर जगह। मैंने पहली दफ़ा देखा है पाकिस्तान में। जी जी, ये कोयटा में मतलब ज़्यादातर बनता है। सही है। बाकी ये ब्याज भी बनेगा, तकरीबन 3-4 घंटे इसको लगेंगे पकने में। अच्छा अच्छा। और ये आज यार हमें लगता है कि हर चीज़ का हमने ऑर्डर दे के ना, ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, कुछ क्रेज़ी सी सीरीज़ बनती जा रही है क्वेटा की हमारी, कि हर चीज़ की मेकिंग हमें प्रॉपरली नज़र आ रही है। वरना हम 7-8 बजे आते, हम तो अपनी तरफ से खाने आए थे, वो हमें उसकी मेकिंग नज़र आ गई है कि किस तरह से वो चर्बी का पूरा रोल बना के उस पर फिर वो इंटेस्टाइंस को रोल करते हैं और वो सीखों पर चढ़ाते हैं और फिर वो सज्जी वाला, ये पीछे हमारे सारा निज़ाम लगा हुआ है, इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसकी भी हमने अभी मेकिंग देख ली, अब मेकिंग देख के हम फिर कहीं चलें, ये भी हमें शाम को मिलना है। पहले हम ये खाएंगे आके, फिर उसके बाद हम वहाँ से अपना दुम्बा लेंगे और दुम्बा लेके वो हा। हसो पासपोर्ट साइज। ये कंपनी कौन सी है? ये बुशनेल कंपनी है। कौन सी? बुशनेल। बुशनेल बुशनेल ओरिजिनल है। अच्छा भाई, उसके बाद हम लोग चले गए थे नेटो मार्केट, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। भाई ने एक बड़ी मज़ेदार बाइनोकुलर ली है 90x जूम वाली, अभी हम वापस आए हैं और मेरे ख्याल से वो रेडी हो चुकी है। क्या बोलते हैं इसको? रोदा। तकरीबन रेडी हो चुका है, बैठ के खाते हैं, इससे पहले बहुत भूख लगी थी। रो दो, तुम भी रो दो। ये वाली रेडी हो चुकी है और ये वाली अभी नहीं लगी हुई है। हाउस पे हम लोग बैठ चुके हैं आके ऊपर, और यहाँ मोस्टली क्वेटा में जो है ना, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, ये ट्रेडिशन को बड़ा फॉलो किया हुआ, नीचे बैठने वाला सीन है कुशन लगा के और वो वाला माहौल है। अभी इससे पहले कि हमारा रोंदू ठंडा, क्या रोंदू रोदा ठंडा हो, वो हम खाएं। रोदा के साथ इन्होंने पेपर रोटी दी हुई है और ये तो पूरा सुफरा माहौल है भाई यहाँ पे। तो जिस तरह मैंने आपको बनता हुआ दिखाया था सीखों के ऊपर, जो है वो चर्बी लगा के उसके ऊपर इंटेस्टाइंस को इन्होंने पूरा रोल किया होता है, वो फिर ये सज्जी की तरह मिट्टी में लगा देते हैं सीखे, वो बनने के बाद तकरीबन 2-3 घंटे बनता है ये। जी। और उसके बाद फिर इसको उतारते हैं और कट करते हैं। यही सेम स्टाइल था ना वो तुर्की में, वो सैंडविच के अंदर देते हैं। अभी खाते हैं इससे पहले कि ये बर्फी ही है ये, वैसे चर्बी जो है वो जम जाए। इंटेस्टाइंस जो है वो बिल्कुल सख्त हो चुकी हैं, क्रिस्पी हो चुकी हैं और अंदर चर्बी ऐसे मक्खन मलाई। मोस्टली टेस्ट चर्बी का ही है, चर्बी है ऊपर, इंटेस्टाइंस तो बहुत सख्त हो चुकी हैं, उनका कोई इतना टेस्ट नहीं आ रहा। जो अंदर चर्बी है उसका प्रॉपर टेस्ट है, ऐसे फ्लेवर है पूरा उसका। यार ये तो बड़ी जानदार खुराक है। प्रॉपरली जो ऊपर इंटेस्टाइंस है उसका कोई फ्लेवर, उसका तो कोई टेस्ट समझ नहीं आ रहा उसका। असल में हमजा भाई, ये जो फ्लेवर है दोनों का मिक्स है, मिक्स हुआ है, लेकिन ज़्यादा वो जो रिचनेस है वो चर्बी की है। जी हाँ, और चर्बी में भी जो फ्लेवर है वो इंटेस्टाइंस का ही है, वो इसीलिए ज़रा कंट्रोवर्शियल सा हुआ है। हाँ हाँ, समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही। प्योर खाते हैं ना तो फिर वो प्योर चर्बी होती है। हाँ। ये असल में इसके ऊपर वो कोटेड है तो दोनों का टेस्ट मिक्स हो रहा है। मिक्स हो रहा है, ऊपर मसाले डाले हुए हैं। जी, इसलिए जो है वो जरा समझ से बाला। हाँ हाँ। और चर्बी भी ये बकरे में 2-3 तरह की चर्बी होती है, एक सख्त होती है उसकी लेयर, और ये जो अंदर से निकलती है नरम वाली, इलास्टिक इलास्टिक फैट, हाँ वो वाला ही है।
जैसा लग रहा है रबर खा रहा हूँ। टेस्ट ऐसा है जिस तरह आपको जो चर्बी का टेस्ट होता है बड़ा मज़ेदार दुम्बे में अक्सर और बकरों में कोई ख़ास पार्ट जो होता है उसके साथ ऐसा लग रहा है कि वो वेन नहीं हम अक्सर चिकन के साथ लगी हुई वेन खा लेते हैं वो फील हो रहा है कि कोई वेन्स खा रहा हूँ भाई वो इंटेस्टाइन का टेस्ट जो वो जैसे फैट भूल जाते हैं हाँ। उसके बाद वो इंटेस्टाइन का टेस्ट वैसे वैसे वो इंटेस्टाइन ही हैं जो रबरी हुई हुई हैं बिल्कुल। इस खाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सी दूध पत्ती लाजमी है भाई वरना ये जो फैटी इंटेस्टाइन्स हैं ये हमारे इंटेस्टाइन्स में जाके फंस जाएंगे। खाना ये यहाँ पे 1958 की रेट लिस्ट लगी हुई है। मटन गोश्त रान जो है वो 8 रुपए का था, दस्ती कमर 5 रुपए, गर्दन 0 से लेके 8 रुपए तक। क्या बात है यार, ना भाई कल की बात है, कल की बात कल नहीं की है ये किसी वक्त की बात है। 3, 2, 1 दुम्बा। खड्डे से निकला ताज़ा ताज़ा दुम्बा और उसकी थोड़ी सी उन्होंने हमें पीस तोड़ के दिया। ओह ओह गरम लाला डेरा मनाना। अल्लाह हाफिज। चलो डेरा मनाना, डेरा मनाना यार, डेरा मनाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। पूरा दुम्बा हमारा, ये तो ऐसे मैं जिस तरह अस्पताल से नया बच्चा लेके जा रहा हूँ तो गोद में। चलो क्या प्रोटोकॉल है। हम दुम्बा शरीफ लेके पहुंच चुके हैं फरहतुल्लाह के घर और मेरे साथ हैं जी मोहतरम हबीबुल्लाह खान नासिर साहब। क्या हाल चाल है जी आपका? अल्लाह का शुक्र ये बिल्कुल ठीक है। फरहत के वालिद साहब हैं, लास्ट टाइम भी आपके साथ इसी बैठक में हुई थी मुलाकात हुई थी तो ये अच्छी बात है कि आप दोबारा हमें तो क्वेटा खींच रहा है। दोबारा क्वेटा आ गए और आई होप यू के दोबारा फिर भी आओगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ हैं सनाउल्लाह भाई, लास्ट टाइम क्वेटा वाली सीरीज जिन भी लोगों ने देखी है वो सनाउल्लाह भाई को जानते होंगे। कैसे हैं जी आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? ठीक ठाक बिल्कुल बिल्कुल। नवरोज खान काकड़ ज्यारत इंजीनियर हूँ एग्रीकल्चर में। सही सही जबरदस्त जबरदस्त। चलो इसको उधर से इसको हमजा भाई शॉपर को फुल निकाल दें। शॉपर को निकाल दें इसको शॉपर से क्या वास्ता। ये आगे जी हमारा पूरा दुम्बा और इसके साथ ये पूरा चक्की वाला जो पार्ट है इन्होंने उसके ऊपर रखा हुआ था। इसको खोलना पड़ेगा ना? ठीक है, ये वाले जो धागे हैं ना। सही है। अनबॉक्सिंग हो रही है जी, दुम्बे की अनबॉक्सिंग हो रही है। यार वो इतना वो टेंडर हुआ है कि वो रस्सी उसके अंदर जा चुकी है स्किन में। वो जबरदस्त पका है, बहुत जबरदस्त। इस तरह इस तरह ये पिछली बार भी ये सिस्टम सारा सना कर हाँ ये सनाउल्लाह भाई ने किया था सारा। होल लैम्प इस टाइम हमारे सामने, इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है। अंदर से चावल किशमिश वाले और कुछ और चीज़ें भी उन्होंने डाली हुई हैं, वो निकालते हैं तो देखेंगे। साथ में फरहतुल्लाह के घर पे फ्राइड फिश है और मैक्रोनीज है जी। मैक्रोनीज और फ्राइड फिश इनकी तरफ भी हम आते हैं, थोड़ा सा हम दुम्बे को सलामी दे लें। फरहत कौन सा पार्ट सबसे पहले खाना चाहिए दुम्बे का? हमजा भाई इसको पकड़े बादाम को। बादाम को ये गुम जाएगा वरना आप। वो गुम गया। दूसरा गरम है ओखरी। ओके सोर्स भी फायदा ना लें जी। हमारे पास चक्की और साथ में दुम्बे के अंदर बने हुए चावल। ये फरहत सिंपली बॉइल्ड राइस डालते हैं ना, वो टेस्ट उसके बाद में अंदर आता है ना उसका खुद ही। जी बॉइल्ड राइस डाल के हमजा भाई उसमें ये किशमिश वगैरह भी ऐड वो ऐड कर देते हैं। अभी चावलों का कलर जो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और वो जब ये बन रहा होता है 4-5 घंटे तो उसी के अंदर से उसका टेस्ट और कलर जो है वो चावलों के अंदर आना शुरू हो जाता है। अभी एक प्रॉपर बाइट दुम्बा राइस और उसकी चक्की। ये वो चीज़ है जिसके लिए पिछले 2 साल से मैंने इतनी वीडियोस में बोला कि वो क्वेटा का खड्डी कबाब ये क्वेटा का खड्डी कबाब कभी डिसअपॉइंट नहीं करता यार। इसमें जो फ्लेवर्स की वो प्रॉपर रिचनेस है और जिस तरह से मीट, मतलब आपको वो कहीं से भी ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गल गया या कम गला, एग्जैक्ट एक एक चीज़ जिस तरह ऑन पॉइंट लग रही है। और ये भी नहीं कि मसालों से ओवरलोड कर दिया हो, सिंपली मसाले हल्का सा नमक लगाते हैं बिल्कुल और कोई मसाले बना के लिक्विड रखा हुआ उसको ऊपर हल्का सा लगाते हैं
बाकी प्रॉपर आपको एक मीट की फील है, पूरा मीट का टेस्ट है। इसमें जो राइस है ना वो डबल फ्लेवर दे रहे हैं। हाँ, एक उसमें मीट का भी फ्लेवर है और स्मोकी फ्लेवर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो डबल फ्लेवर ऐसी ऐसी वो जिस तरह स्टीम में बने हुए हैं ना, बिल्कुल। और साथ में उसके वो ये आ रहे हैं किशमिश वगैरह आ रही है, बिल्कुल। और हल्की सी उसकी चर्बी भी पिघल के राइस के अंदर कहीं ना कहीं वो टेस्ट दे रही है। अच्छा रान वाली साइड मैंने ट्राई कर ली अभी। सुनावला भाई कौन सी साइड ऐसी है? ये थोड़ी सी ना वो चीवी होती है ना रान वाली, हल्की सख्त, बिल्कुल नरम गोश्त कौन सा होता है? नरम गोश्त अगर आपने चक्की खाना इसके साथ बड़ा, वो तो मेरी चक्की मेरे पास पड़ी है। फिर और कौन सा ट्राई करूं? ये दस्ती या चाँप? नहीं नहीं, ये चाँप जो है ना इसका सबसे ज्यादा, क्योंकि हड्डियों के साथ है ना, ठीक है, तो चाँप सबसे ज्यादा मजेदार। चलो चाँप भी ट्राई करें और उसके बाद पुट की तरफ। हाँ चाँप पुट, वही सोच रहा था मैं कि चाँप के बाद जरा पुट की तरफ आया जाए। इसके पुट का थोड़ा सा निकालते हैं ये। ओह इसका तारीफ यूं चला है, पहले ये लोग खाना बदोश होते थे, ठीक है, जहाँ पे मेहमान आ गया या घर वाले थे या कोई फंक्शन होता था, कोई शादी होती थी, फिर वो घर के कड़े कड़े दुम्बे लाकर इस तरीके से वो पकाते थे। अच्छा कड़ी कबाब, सही सही। इसमें कराकरी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल, जमीन में ही खड्डा किया, खड्डा चावल भरे और अंगारा बनाया, उसके ऊपर लिटा दिया, मन गया निकाल दिया, सोफे पे लगा दिया, सोफे पे लगा दिया, न बर्तन न कुछ न कुछ न ये इस तरीके से बन जाते हैं। ये चीजें हैं भी तो बड़ी वो ताकतवर चीजें हैं ना, ताकतवर, क्योंकि ये पहले, अभी शहरों में तो अब आई हैं ये चीजें, पहले होती थी वो मुशक्कत वाले लोगों के पास कि वो खा के और उसके बाद मेहनतें उनकी और वो चीजें। अभी हम सोचते हैं कि ये चीजें खा के मोटे क्यों नहीं होते थे, असी खा के बैठते पै जाने वो पहाड़ चढ़ते सी। लांडी लोग मतलब ये नहीं इस मकसद के लिए करते हैं कि ये हमारे बेल्ट में बर्बारी ज्यादा होती थी। अच्छा अब भी होती है लेकिन पहले बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से लांडी खाते थे। तो उस वजह से एक तो लांडी गर्म है, सही सही सही, बिल्कुल मन पी 14-15 में लांडी खा के आप बाहर निकले सर्दी नहीं लगेगी। और दूसरी बात यह कि उनकी रसाई फिर शहर तक बहुत नामुमकिन, गोश्त की जरूरत पड़ जाता था, मेहमान आ जाता था, तो बर्बारी इतनी ज्यादा होती थी कि शहर तक फिर रसाई अब तो नहीं होती थी। तो फिर वो घर में रखा होता था लांडी, मेहमान आया या अपना। अच्छा, 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 ये डिश इस तरह से बनी, इस तरह से बुनियादी तौर पर लांडी। सही है, बेहतरीन खाने के बाद हमारे पास आई है जी नासरी चाय, और ये हमारे साथ भी बैठे हैं नासर साहब, मुझे ये बताएं इस चाय के बारे में थोड़ा सा। ये चाय जो है ये ज़ियारत में लगती है, ठीक है, कुदरती जड़ी बूटी है, ये खासकर सर्दियों में लोग पीते हैं। सही, इसकी तासीर जो है वो बहुत गर्म है, यानी लांडी से कम नहीं है। अच्छा, और ये जो है ये तिब में भी इस्तेमाल होता है, यूनानी ये अच्छा, अकीम वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। सही सही, हम लोग इसको बतौर चाय इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चाय का इसका फ्लेवर भी मुनफरिद है दूसरी चीज़ों से, ठीक है, और ये जूद अजम भी, पत्थर भी कहो ये अजम कर, ये अजम, सही है सही है। एक बंदा है जिसके बगैर हमारी वीडियो एंड नहीं हो सकती, और वो है हमारे अदनान साहब, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बिल्कुल ठीक। लास्ट टाइम वाला सीन याद है? जी याद। कहाँ पे हुआ था वो? कड़ी कबाब वाला। क्या बात है, ये तब छोटू सा था, ये 2 साल पहले जब मैं आया था, अभी तो माशाल्लाह मुझे दाढ़ी निकल आई है। नहीं इतने भी बड़े नहीं होते चलो खैर इस वीडियो के यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफिज़। और कल का क्या प्लान है बॉयज? कल इंशाल्लाह हमजा भाई, कल भी इसी तरह यूनिक ही होगा, कल का कल देखेंगे और होगा यूनिक, ये गारंटी मैं देता हूँ। चलो इंशाल्लाह, ओके भाई, मज़ा आ गया आज तक।